है, वो एक ही सवाल उत्पन्न होता है मानसून के मौसम में कि क्यों यूपी हर बार बारिश के बाद पानी हो जाती है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि मानसून अपने समय पर आया, तो उसके साथ ही साथ कहीं कहीं स्मार्ट सिटी और नगर निगम की बोल थी कि हर साल समस्या आती है कि जल भराव एक बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन इससे भी न तो नगर निगम प्रशासन सख्त होता है, कहीं नगर विकास सख्त होता है, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के तर्ज अगर राजधानी की बात करते हैं तो ये जल भराव की समस्या आए दिन देखने को आती है। मतलब तब ये ज्यादा चीजें होती हैं जब चुनाव आता है, आसपास ऐसी चीजें होती हैं, तो तमाम ऐसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अगर कोई विशेष अभियान चलाया जाता है तो सिर्फ महज खाना पूर्ति के लिए साफ सफाई का अभियान चलाया जाता है। कहीं ना कहीं नगर निगम के कर्मचारी और क्षेत्रीय सभासद, इनकी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिनके जिसकी वजह से ये कार्य बाधित होता है। बिल्कुल अभिषेक, और एक कहीं ना कहीं सवाल भी पैदा होता है कि इस समस्या का हल क्यों नहीं निकाला जाता, क्योंकि ये आज की या कल की इस तरह से परेशानी नहीं उजागर होती है। हर बार जब भी मानसून आता है तब हम देखते हैं कि जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इसका हल क्यों नहीं निकाला जाता है? जी बिल्कुल, कैसे बताना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप पिछले साल की बात करें तो पिछले साल मई में मानसून आ गया था जिसमें रिकॉर्ड बारिश हुई थी, 57.4 मिलीमीटर लखनऊ में बारिश दर्ज की गई थी, जिसके बाद से लखनऊ के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन अभी भी अभी तक वही रवैया है, हर बार बारिश होने पर ये एक बड़ा मुद्दा बनता है लेकिन नगर निगम प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंगता है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसमें इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्षेत्रीय सभासदों से इस तरह की तमाम मीटिंग की जाती है लेकिन लेकिन कोई चर्चा से कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आज भी अगर बात करें इलाकों की तरफ से बात करें, गोपी नगर लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज अगर आप बताएं तो विभूति खंड में हाई कोर्ट है, अगर आप हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें जलमग्न हो जाता है। अगर आप विपुल खंड की बात करें, आप विभूति खंड की बात करें, अगर आप सबसे पुरानी कॉलोनी विश्वास खंड की बात करें, नेहरू इंक्लेव की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं, आलमबाग की बात करें, आशियाना है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल भराव एक बड़ी समस्या है, लेकिन अभी तक इसका कोई हाल फिलहाल में कोई भी उचित कार्रवाई करके इस समस्या का समाधान नहीं किया। अभिषेक, अगर मैं इसको शहरी बाढ़ का नाम दूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हम कहीं ना कहीं देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, और आपने खास करके बात करी जहां पर हाईकोर्ट है, उसके बाद जो पॉश इलाका है गोमती नगर वीआईपी जोन में आता है, उसके बावजूद भी यहां पर भी ये समस्या पैदा हो जाती, तो आप हम हकीकत जब वहां ऐसे इलाकों की बात करें जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो इस बाढ़ जैसी जब त्रासदी की तरह जब आती है तो कहीं ना कहीं वो बह जाती है या मकान ढह जाते, तो लोगों को इस समस्या से भी जूझना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप कैसे सही करिए, शहरी बाढ़ कहेंगे इसको, क्योंकि अगर राजधानी की ऐसी स्थिति है तो जिलों में बाढ़ की क्या स्थिति होती होगी बरसात में, ये तो कहीं से अछूता नहीं। अगर शहर की बात करें, लखनऊ राजधानी में उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड के समय से देखिए हर चीजों पे एक नजर बनाए रहे हैं, तो तमाम ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर आप लालजी टंडन की बात करें नगर विकास मंत्री हैं, स्मार्ट सिटीज को लेकर तमाम कवायद, तो लाखों करोड़ों रुपए से सरकार द्वारा खर्चा गया, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, ये पता करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आज भी कंडीशन वैसी ही है, तमाम इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लेकिन कोई तैयारी बरसात के पहले नहीं होती है, समय पर मानसून भी आता है, हर चीज है, कहीं एक अच्छा पहलू है तो सबसे बुरा पहलू है कि राजधानी के ये हाल है तो अन्य जिलों के क्या हाल है। बिल्कुल, और नगर निगम को हर बार आवंटित किए जाते हैं कई करोड़ों रुपए जल भराव की समस्या, सड़क की देखभाल के लिए, लेकिन जब इस तरह की बारिश आती है तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि नगर निगम के जो दावे हैं कि जो पैसा आवंटित होता है वो सिर्फ कागजों पर होता है, और जो दावे होते हैं वो भी सिर्फ कागजों पर होते हैं, क्योंकि सारे दावे खोखले हो जाते हैं जब इस तरह से जल भराव होता है, लोगों के घरों में गंदा पानी जाता है, साथ ही साथ कोरोना समय चल रहा है और इस वक्त भी लोगों को अपने घर में इस गंदे पानी को झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल कीर्ति, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने बताया कि कोरोना का समय चल रहा है, संक्रमण का समय चल रहा है, रोड पे बारिश होना, नालों का पानी भरना, एक घर से दूसरे घर पे सब कनेक्टिविटी होती है, कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी लापरवाही है नगर निगम लखनऊ की जो इस तरह की समस्या आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई हैं, खुद मेयर सनिता भाटिया को लेकर बात कीजिए या क्या कहते हैं नगर आयुक्त की बात कीजिए, तो इन तमाम पहलुओं पर हर साल एक समस्या क्यों खड़ी होती है, बड़ा सवाल है। अभी देखने वाली बात होती है कि सरकार इसके कब एक्शन लेती है और कब इस समस्या से नियंत्रण पाया जा सकता है।
बिल्कुल अभिषेक, और कहीं ना कहीं जो आप जल भराव की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह की आप अभी तस्वीरें भी देख रहे होंगे, किस तरह की परिस्थितियां अभी आपको देखने को मिली? अगर आप गोमती नगर की बात कर रहे हैं, पौश इलाके की, तब भी वहां पर भी जल भराव है, लेकिन जब हम छोटे इलाकों में जाते हैं, अमीनाबाद, चारबाग जैसे इलाकों में, जहां पर अक्सर हमने ये चीज देखा है कि वहां पर रेलवे स्टेशन होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है कि हर बार लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आपका मेन स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन वो चारबाग में है, उसके बावजूद जो जल निकासी की सुविधा है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती है। बिल्कुल कीर्ति, हमने आपसे सबसे पहले वही चीज बताया कि अगर लखनऊ राजधानी के सबसे पॉश इलाके में अगर हाईकोर्ट की बिल्डिंग के बाहर जलभराव हो रहा है, तो इससे बड़ा दुखद पूर्ण कोई बात हो ही नहीं सकती। रही निचले इलाकों की बात आप कर रही हैं, तो मैं बताऊंगा आपको इस्माइलगंज, चिन्हट इलाका, पुराने लखनऊ चले जाइए तो आप इमामवाड़ा, ठाकुरगंज, इन सब क्षेत्रों की बात कर लीजिए, नाका, हिंडोला, चारबाग, आसियान, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जलभराव की समस्या कई सालों से चली आ रही है। सिर्फ दिखावे के लिए साफ सफाई होती है, ऐसा कभी मुमकिन हो ही नहीं पाया कि एक ऐसी बारिश हो जब शहर में जल भराव की समस्या ना आए। तो कहीं ना कहीं एक बात साफ होती है कि ये सब कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, किसी अधिकारी का कर्तव्य नहीं बनता है। हाल फिलहाल होना ये चाहिए कि खुद आयुक्त टीम गठित करें और तमाम लोगों को इससे ड्यूटी लगाएं। सारे जोन बने हुए हैं लखनऊ में, तमाम 8-9 जोन हैं, इन सारे जोनों में लगातार अगर आला अधिकारी गश्त करते कि क्या नालों की सफाई को लेकर, तो शायद ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति ना आती। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर है नगर निगम का। जी कहती बिल्कुल अभिषेक, फेलियर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंसीज ज्यादा होना भी एक बड़ी समस्या तो नहीं उत्पन्न हो जाती? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि समन्वय और जवाबदेही जो होती है वो अलग हो जाती है। ये कह दिया जाता है कि वो इस जोन में लगता है तो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, या जोन 8 में लगता है तो वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, वो हमारी समस्या नहीं है, इस तरह की भी जो परेशानियां हैं वो भी झेलनी पड़ती है। जी देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि जोन अलग है, सब अलग है, लेकिन इन सब के ऊपर बैठा हुआ अधिकारी तो एक है, और शहर की जिम्मेदारी नगर आयुक्त के पास है, और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो जोन वाइज, इसीलिए इस चीज को, सिस्टम को बनाया गया कि इतना बड़ा शहर है तो इसको अलग अलग जोनों में तब्दील किया जाए, तो सारे जोन बनाए गए, उस जोन में पर्याप्त अधिकारी हैं जो इस चीज के जोन के अधिकारी होते हैं। तो ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है, लेकिन इसको लापरवाही कह सकते हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता। जी कहते लापरवाही है एक तरह से, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इस वक्त क्या स्थिति है, अभी भी मॉनसून लगातार बारिश की ही स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, मानसून आपको पता है कि पहले से ही इस बात का डिक्लेयर कर दिया गया था कि 12 तारीख तक मानसून आ जाएगा, और अपने समय पे मानसून आया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमने दिखाया कि एक बार फिर बारिश के साथ ही जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा, हम फिर हाजिर होंगे। तो वही वक्त